हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सलवार कटिंग करना सिखा रहे हैं। तो हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, 2 मीटर में हम सलवार कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका बेल्ट निकालेंगे। हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी है 9 इंच। ये हमने बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है बेल्ट की। अब हम सलवार कटिंग करेंगे। पहले हमें कली कटिंग करनी है, तो इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसके सिलवट अच्छे से निकाल लेते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें 5.5 इंच बेल्ट निकाल के जितनी हमारी सलवार की लेंथ है हमें उतनी रखनी है। ये हमारी सलवार की लेंथ 38 इंच है, तो हमें 38 इंच रख लेनी है। 9 इंच का हमें आसन रखना है। इधर भी हमें 9 इंच का आसन रखना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। ये हमने निशान मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बीच में से। ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारी हो गई 4 कलियाँ। जो कि साइड में लगती है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं। ये हमने बीच में से कटिंग कर ली है। अब हम इसको नापेंगे कितनी आ रही है। ये हमारी 31 इंच आ रही थी। अब हम बीच के पार्ट निकालेंगे मोहरी वाले। तो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है 14 इंच। और लेंथ लेनी है हमें 33 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है मोरी बनाने के लिए। ये हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। तैतीस इंच हमें यहाँ पे लेनी है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। हमने कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमें बीच में से भी कटिंग कर लेना है। 2 पार्ट निकाले हैं हमने। ये हमारे 2 पार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, ये 1 कली इधर लगाएंगे। इसमें प्लेट डालेंगे।
और एक इधर की साइड में लगाएंगे, दोनों साइड में जोड़ेंगे। और ये हो गया हमारा बेल्ट। तो फ्रेंड्स हम इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इसमें भी हमें प्लेट्स डालने हैं। इसको इधर जोड़ेंगे एक कली को। तो फ्रेंड्स ऐसी लुक आ रही है हमारे सलवार की, इसमें काफ़ी सारा घेर होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।